2024 की चुनाव को लेकर के अलग अलग राजनीतिक दल अपनी तैयारी में जुटे हुए, वहीं बिहार की बात करें तो बिहार में अभी तक न तो एनडीए में सीट का बंटवारा हुआ है, न ही इंडिया गठबंधन में, लेकिन लगातार जो है कई नेता जो है दिल्ली का चक्कर लगा रहे हैं। मुकेश साहनी भी कई बार दिल्ली का चक्कर लगा रहे, कहा जा रहा है कि मुकेश साहनी कभी भी एनडीए के साथ जा सकते हैं। उसको लेकर के आज विजय सिन्हा ने साफ साफ कह दिया कि एनडीए सबकी पार्टी है, बीजेपी में सबकी पार्टी है, राष्ट्र की पार्टी है, जो भी आएगा स्वागत किया जाएगा। वहीं चिराग पासवान और पशुपत पारस को लेकर के साफ साफ कह दिया है कि चाचा और भतीजे दोनों लोग जो है एनडीए में ही रहना चाहते हैं। सुनवाते हैं आपको विजय सिन्हा क्या कुछ कह रहे हैं। जाति का पार्टी है कोई तो वो भारतीय जनता पार्टी है, और साहनी समाज तो पहले से भारतीय जनता पार्टी में एक से एक बड़े बड़े लीडर है, हमारे सांसद है। साहनी समाज तो पूरी तरह से राममय वातावरण में निषाद समाज की तो बड़ी भूमिका रही है, और ये भूमिका अपने को भारतीय जनता पार्टी में सम्मानित महसूस करता है और भारतीय जनता पार्टी से ये जुड़ाव महसूस करना है। मुकेश साहनी भी क्या स्थिति रहेगी? मैं बता रहा हूँ कि सबका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद के लिए काम करता है। भारतीय जनता पार्टी हर भारतीय को आत्मनिर्भर आत्मस्वाभिमान के साथ सबका विकास को लेके चलता है, इसलिए सभी लोग भाजपा से जुड़ना चाहता है। चिराग जी को लेकर सर क्या कहिएगा उनके चाचा? मैं तो बता दिए हैं कि चचा भतीजा का जो भी मामला है, लेकिन दोनों भाजपा के साथ चलना चाहते हैं और भाजपा के साथ रहेंगे। अरविंद केजरीवाल ने सीए को खतरा बताया और कहा कि पाकिस्तानी से भारी भीड़ ला रही है और वो बीजेपी का। देखिए, देश के जो हितैषी नहीं है, जो माँ भारती के सनातन के संतानों को अपमानित करने का, इसके बहु बेटियों को इज्जत तार तार करने पर मौन रहने वाला, ऐसे लोग ही सीएए का विरोध करता है। अरे ये नागरिकता देता है, किसी की नागरिकता नहीं लेता है, आपत्ति क्यों है? कोई हिंदू पाकिस्तान के अंदर प्रताड़ित हो उस पर एक शब्द नहीं बोलोगे, और अगर जो वो भागकर भारत आ गया, बरसों से पुश्त दर पुश्त रह रहा है और उसको नागरिकता मिल गई तो छाती फट रहा है। धिक्कार है इसे लोगों को जो भारत माँ भारती के संतानों के चेहरे पर खुशी नहीं देखना चाहता, ऐसे लोग राष्ट्र के हितैषी नहीं हो सकते। तेजस्वी ने सर नया वीडियो जारी किया अपने उपलब्धि का, सर 17 महीने का गुलाब चुनौती है। ये नियुक्ति के नाम पर एक बड़ा गड़बड़ घोटाला किया, आज नियुक्ति घोटाला में फंसे हैं। अरे नियुक्ति के नाम पर जो जमीन लिखाने वाला, पैसे की वसूली करने वाला, परिवारवादी वंशवादी या कुछ संपत्ति का मालिक बनने वाला, ये उपलब्धि दिखा दें, ये उपलब्धि दिखाएं कि जंगल राज गुंडा राज में कैसे तब्दील हुआ। नेता प्रतिपक्ष मैं था, 500 दिन में 341 दिन 70% हम किसी न किसी जिले में आंसू पोंछ रहे थे, एक भी जगह ये नहीं जाते हैं। आज भी अगर जो घटना घटित होता है मैं तड़प कर रहता हूँ, तुरंत पदाधिकारी से बात करता हूँ क्योंकि सरकार में है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष की भूमिका एक प्रतिपक्ष की दिखाई नहीं पड़ती है। ये दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि ये सोने के चम्मच लेकर जन्म लिए हैं, ये रानी के पेट से राजा बनना चाहते हैं, लेकिन जनता जमीन से जुड़े लोगों को अब राजा बनाएगा। तो आपने सुना किस तरीके से बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने साफ साफ कह दिया कि एनडीए जो है, बीजेपी जो है, राष्ट्र की पार्टी है, जो भी आएगा उसका स्वागत है। कहीं ना कहीं अब ये कहने जा रहा है कि मुकेश साहनी कभी भी जो है एनडीए का दामन थाम सकते हैं। वहीं चिराग पासवान और पशुपत पारस को लेकर के हाजीपुर सीट पर पेच फंसा हुआ है, लेकिन उन्होंने कह दिया कि दोनों लोग जो है एनडीए के साथ ही रहने वाले हैं। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में कब एनडीए में सीट बंटवारा होता है, क्या चिराग पासवान को हाजीपुर सीट मिलता है या पशुपति पारस को, या चिराग पासवान को लेकर के जो अटकलें लगाई जा रही है कि आज चिराग पासवान इंडिया का दामन थाम लेते हैं।